हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल अमिता किचन में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चने के दाल और पालक के बहुत ही कुरकुरे पकौड़े। देखिए ये कितना कुरकुरा बना है, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा होता है और ये झटपट बन के तैयार हो जाता है। आप इन पकौड़ों से सब्जी भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं चने के दाल और पालक के क्रिस्पी पकौड़े। चने के दाल और पालक के पकौड़े बनाने के लिए हमने एक कप चने का दाल लिया। इसे हमने 5 से 6 घंटे तक पानी में भिगा दिया था। आप इसे ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं। अब ये अच्छे से फूल गया है, ये देखिए। अब इसे हम एक मिक्सर जार में डालेंगे। सारे दाल को हम इकट्ठे ही इसमें डाल देंगे। ये हमने 10 से 12 कलियां लहसुन का लिया है, इसे भी हम इसी में डाल देंगे। 3 हरे मिर्च को हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। अब इसे हम बंद करके दरदरा पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हमने 100 ग्राम पालक लिया है, इसे हम अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे और इसे हम बारीक काटेंगे। सारे पालक को हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। इस तरह से हमने सारे पालक को काट लिया है। चने के दाल, हरा मिर्च और लहसुन को हमने दरदरा पीस लिया है। इसमें हमने पानी नहीं डाला है क्योंकि पालक हम डालेंगे उसमें भी पानी रहता है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम पालक डालेंगे जो हमने काट के रखा हुआ है। एक प्याज को हमने बारीक काट लिया है, इसे हम डाल देंगे। ये हमने 1/2 चम्मच जीरा लिया है, इसे हम क्रश करके डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हमने इसमें हरा मिर्च डाला है इसलिए हम लाल मिर्च कम ही डाल रहे हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर की जगह आप इसमें चाट मसाला या फिर थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें तो भी ये चटपटा बनेगा। अब इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, इसे हम क्रश करके डालेंगे। आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं और कसूरी मेथी का टेस्ट भी अच्छा लगता है। अब हम सारे चीज़ों को मिक्स करेंगे, सारे मसाले, नमक और पालक। इसके पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से मिक्स करने से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें हम 1/2 चम्मच गर्म मसाला डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी के साथ। सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह का इंग्रेडिएंट्स है हमारा। इसमें हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ये सूखा रहेगा तो पकौड़ा अच्छा कुरकुरा बनेगा। अब हम पकौड़े बनाएंगे। कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है, अब ये अच्छे से गर्म हो गया है। इस तरह से हम चेक कर लेंगे, ये गर्म हो गया है, इसमें से हीट आ रही है। इसमें हम थोड़ा सा दाल डाल के चेक कर लेंगे, ये हो गया है, बबल्स आ रहे हैं यानी तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दाल लेके पकौड़े डालेंगे। पकौड़े आप छोटा बड़ा जैसा चाहे बना सकते हैं। चने के दाल के पकौड़े बहुत ही कुरकुरे होते हैं। पकौड़े अच्छे गरम तेल में ही अच्छे बनते हैं। एक बार में जितने पकौड़े आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे। हमने कढ़ाई में जितना पकौड़े आया उतना डाल दिया है। अब इसे हम इसी तरह 2 मिनट छोड़ देंगे। होने के बाद ये ऊपर आ जाएगा। जो जो पकौड़े पक रहे हैं ये अपने आप ऊपर आ रहा है और तैर रहा है। ये एक तरफ अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसे हम पलट देंगे। फ्राई होने के बाद सारे पकौड़े तैर के ऊपर आ गए हैं। अब सारे पकौड़े को हम उलट पलट के चारों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। इसे हमने उलट पलट के चारों तरफ अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब ये अच्छा कुरकुरा भी हो गया है और गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये अच्छा ब्राउन हो गया है और कुरकुरा भी हो गया है।
इसके हम तेल अच्छे से छान लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे और इसी में हम और भी पकौड़े डाल के फ्राई कर लेंगे। पकौड़े अच्छे गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसे हम इसी तरह 2 मिनट छोड़ देंगे। अब एक तरफ ये फ्राई हो गया है, इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे और दोनों तरफ उलट पलट के गोल्डन ब्राउन और अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। आप चने के दाल और पालक के कुरकुरे पकौड़े सर्व के लिए रेडी हैं। आप इसे टोमेटो सॉस, चिली सॉस, हरी धनिया की चटनी किसी के भी साथ खाएं, ये बहुत ही चटपटा लगेगा। ये बहुत ही कुरकुरा बना है, आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें और देखिए, फिर इसे बार बार बना के खाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर कोई नया रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम बना के डालेंगे। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।